हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तरीय भर्ती 2020-21 की। तो यहाँ पर आपके जो वर्षवार गुणांक के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया है 2020-21 का, उसकी लिस्ट है। और ये जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट है आपकी चमोली जनपद के द्वारा, ठीक है। तो चमोली जनपद के द्वारा सेकंड वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाल दिया गया है। इसमें बीएड अभ्यर्थी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर लिखा गया है, जो अभ्यर्थी को बुलाया गया है, तो आप लोग तिरछाई देख लीजिएगा इसका। तो मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो इनका यहाँ पर विषय रखा गया है 17/12/2021 को, यहाँ पर विज्ञान, गणित और भौतिक, जीव विज्ञान सभी को, मतलब समस्त जो अभ्यर्थी होंगे विज्ञानोत्तर सभी को बुला रखा है। 11 बजे जो है, अब जिनका नाम रखा हुआ यहाँ पर बुला रखा है, ऐसा बताया गया है। जो कि यहाँ पर आपको जाना है 17 तारीख को। और इस पर जो कैंडिडेट के नाम है वो आप लोग यहाँ पर देखेगा। तो कैंडिडेट के नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायरेक्ट कैंडिडेट सबसे पहले तो, और इसमें सौरभ जोशी करके है, ये जो है आपका जनरल, और यहाँ पे सब कैटेगरी भी लगी है इनकी। और ये विज्ञान वाले हैं, तो पीसीएम वाले ग्रुप के हैं और डीएलएड कैंडिडेट है। पीसीएम डीएलएड में अगर बात करें तो लास्ट कट ऑफ अगर बात करें यहाँ पर, देखते हैं कि डीएलएड कैंडिडेट यहाँ पर पीसीएम वाले ही हैं अभी। और ये जो है उसके बाद यहाँ पर जो है 14 अभ्यर्थियों के हैं, 15 से यहाँ हैं और 16, 17, 18, और ये पीसीएम वाले ही हैं। और अगर बात करें तो यहाँ तक गया हुआ है आपका विज्ञान जनरल में। तो ये आप लोग देखिएगा जनरल, जो कि सब कैटेगरी लगा के यहाँ पर 81.313 करके गया है। उसके बाद से यहाँ पर एससी कैटेगरी के अगर बात करें, यहाँ पर देखते हैं ये एससी कैटेगरी के हैं इसमें। और इस एससी कैटेगरी में एक कैंडिडेट यहाँ पर बीएड कैंडिडेट भी है, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। इनका नाम 52.17 में इनका जो है गुणांक है, उनका सिलेक्शन भी हो रखा है। और डीएलएड की अगर बात करें तो इनका लास्ट कट ऑफ गया है 71.23, इनकी कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है। और उसके बाद से अगर विज्ञान पीसीएम में अगर बात करें, तो ये एसटी की लास्ट कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है आपकी, वो फीमेल कैटेगरी है। और उसके बाद 72.29 यहाँ पर गया हुआ है। उसके बाद ओबीसी अगर बात करें, तो ओबीसी में देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट कट ऑफ यहाँ पर 3 फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी में, यहाँ पर अगर मेल बात करें तो 81.03 यहाँ पर गया हुआ है। और अगर फीमेल बात करें यहाँ पर 79.39 यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेट का कट ऑफ गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो ये आपका विज्ञान में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 53.11 यहाँ पर बीएड कैंडिडेट का नाम रखा है। और उससे पहले भी यहाँ पर एक बीएड कैंडिडेट का नाम है 62.79। देखिए बीएड का ईयर वर्ष लिखा नहीं है इन्होंने, और इसमें जो है डीएलएड कैंडिडेट का सिलेक्शन रखा है 79.19 में इनका हुआ है, उसका बीएड कैंडिडेट है दो। और उसके बाद यहाँ पर विज्ञान में ही है, यहाँ पर जनरल फीमेल वर्ग में है यहाँ पे इनका। ये विज्ञान जेडबीसी वाली है, पीसीएम वाले थे अभी तक, अब जेडबीसी आ चुके हैं। जेडबीसी में भी यहाँ पर डीएलएड का यहाँ पर गया हुआ है आपका 68.85 गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बीएड कैंडिडेट है यहाँ पर, और कितने कैंडिडेट हैं आप लोग देख सकते हैं, बीएड कैंडिडेट सब बीएड कैंडिडेट ही हैं इसके बाद से। तो बीएड कैंडिडेट का गुणांक ही गुणांक लिखा है, इन्होंने ईयर तो लिखा नहीं है। तो जेडबीसी में काफ़ी लोगों के बीएड कैंडिडेट का नाम है, अगर इनफैक्ट अगर काउंट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 9 से लेके आगे के जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब बीएड कैंडिडेट हैं। तो इनका गुणांक यहाँ पर गया है 60.72। और उसी कैटेगरी में अगर बात करें आगे को, ये आया हुआ है आपका जेडबीसी वाले में, यही सब के सब बीएड ही हैं, देख सकते हैं बीएड के कैंडिडेट के। अगर अदर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं, ये कैटेगरी आपकी फीमेल में है, एसटी है फीमेल में है, बीएड कैंडिडेट 59.23 का रखा है। ऐसे यहाँ पर जनरल फीमेल में भी यहाँ पर 59.29 का रखा है। ऐसे यहाँ पर जनरल पीएचयू वाले में 59.86 का रखा है। ऐसे यहाँ पर जनरल फीमेल या देख सकते डी डब्ल्यू एफ वाले भी यहाँ पर हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग गया हुआ है। तो ये सब के सब बीएड कैंडिडेट हैं। और ये जो है आपका मेल कैंडिडेट में अगर बात करें जनरल की, तो 56.33 यहाँ पर गया हुआ है अभी तक का, ठीक है। और उसके बाद इसी कैटेगरी में एक और कैंडिडेट का नाम है, तो ये गया हुआ है, लास्ट कट ऑफ गई है बीएड जेडबीसी का, वो भी ओबीसी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, और इनका कट ऑफ गई है 55.81 गया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, नहीं और भी हैं इसमें, और इस पर ब्लैक लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों लगा रखा है। तो इसी कैटेगरी में अब यहाँ पर जनरल की यहाँ पर है, इसका एससी के आ रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एससी का देखते हैं, बीएड कैंडिडेट सबके सब इस पर लिखा नहीं इन्होंने, बीएड ही होगा मेरे ख्याल से। तो एससी का यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक गया है एससी का, पीएच तक गया है यहाँ पे। एससी का वैसे देखा जाए तो 54.56 गया है, और उसके बाद एससी पीएच वालों का ये 59.18 गया है। उसके बाद एसटी वाले कैंडिडेट हैं, और एसटी वाले कैंडिडेट अगर बात करें तो ये आपके जेडबीसी में एसटी कैंडिडेट, अब यहाँ पर ओबीसी निकाल दिया इन्होंने, ओबीसी कैंडिडेट भी हैं।
तो अलग अलग के हिसाब से पता नहीं किस हिसाब से निकाल रखा है इन्होंने, कोई सीरीज नहीं है इनकी, और कहीं पे भी जेड कहीं SC कहीं ZBC निकाल रखा है। तो अगर बात करें यहाँ पर इसी कैटेगरी में ZBC में, तो ये भी ZBC है इनका। तो ये ZBC आपका लास्ट अगर देखा जाए ZBC वालों का, ठीक है, तो ZBC लास्ट इन्होंने ले रखा है, बियर कैंडिडेट 62.86 लिखा है, वो भी जनरल EWS कैटेगरी है, वो फीमेल में है। और उससे पहले OBC में देखा जाए तो फीमेल में यहाँ पर 64 की समथिंग गया है। और उसके बाद OBC में अगर बात करें यहाँ पर इंग्लिश में, तो ये गया हुआ है 84 पॉइंट समथिंग है, 84 है करीबन है। उसके जनरल ई इंग्लिश में अगर बात करें तो ये सब इंग्लिश के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, ये डीएलएड कैंडिडेट हैं, इसका डीएलएड कैंडिडेट यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके बाद से ये भी डीएलएड कैंडिडेट ही हैं आपके, और ये जो है विज्ञानोत्तर वाले हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट हैं, सब के सब इंग्लिश हैं। और इंग्लिश वालों के लास्ट यहाँ अगर डीएलएड कैंडिडेट का देखा जाए तो ये क्या है आपका 77.79 गया है। उसके बाद एक बीएड कैंडिडेट का ले रखा है इंग्लिश में, जो कि EWS फीमेल कैटेगरी में है, 59.83 ले रखा है। उसके बाद जनरल हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले में अगर बात करें तो ये हिंदी के हैं, और ये सब के सब डीएलएड कैंडिडेट हैं। इसमें एक बीएड कैंडिडेट भी आ रखा है बीच में, जो कि यहाँ पर 51.73 इनका कट ऑफ गया हुआ है, वो भी फीमेल में है और जनरल फीमेल में है, PH वाले हैं, ठीक है, सब कैटेगरी लगा के उसके बाद डीएलएड कैंडिडेट यहाँ तक गए हैं। उसके बाद और भी डीएलएड कैंडिडेट हैं हिंदी के, और इनका यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है। और आगे ये लास्ट हिंदी का डीएलएड कैंडिडेट है, जो कि 70.80 इनका लास्ट कट ऑफ गया है हिंदी का, तो वो भी EWS कैटेगरी जनरल मेल कैटेगरी है, ठीक है, इस तरह का लिखा गया है। और इसमें कुछ चीज़ें और भी लिखी गई हैं यहाँ पे, ये इन्होंने अपना निवाली के अधीन जो है ये पत्रांक संख्या जैसे करके लिखा गया है, जनपद चमोली में जो यहाँ पर राजकीय विद्यालय में जो है अध्यापक वेतन क्रम का पूरा लिखा गया है इन्होंने। और इसमें यहाँ पर ये लिखा गया है कि कुल जो है यहाँ पर 369 पदों पर जो है नियुक्ति हेतु यहाँ पर आवेदन प्राप्त जो पत्रों के सापेक्ष यहाँ पर विज्ञान वर्ग है, उसके बाद यहाँ पर विज्ञानेतर है, अंतिम रूप से यहाँ पर चयनित 144 अभ्यर्थियों को जो है दिनांक 5/12/2021 को जो है द्वितीय काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो 5/12 को जो है द्वितीय काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, और इसमें जो यहाँ पर समिति के द्वारा यहाँ पर उपस्थित जो समस्त छात्रों के यहाँ पर पत्र जात और यहाँ पर अर्हता की जांच की गई, और समिति के सदस्यों के जांच के उपरांत यहाँ पर अपनी संस्तुति प्रदान की गई, और काउंसलिंग के पश्चात यहाँ पर प्राप्त आवेदनों पर जो है आवश्यक और नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को जो है अधिकृत किया गया, और एवं जो यहाँ पर कहा गया समस्त प्रत्यावेदन निरस्त जो निस्तारण है उनके उपरांत जो है उपरोक्त सूची में जो है अनुपयुक्त को छोड़कर जो है अन्य की नियुक्ति प्रस्तुति संस्तुति है वो भेजी गई है। तो यानी कि जो उपयुक्त पाए गए उनकी संस्तुति भेजी गई है, बाकी अनुपयुक्त हैं उनको एक और मौका यहाँ पर दिया गया है, ऐसा आप बताया गया। ये प्रथम सूची का भी देख सकते हैं, प्रथम सूची और यहाँ पर प्रथम सूची वालों का भी है और सेकंड वेटिंग लिस्ट वालों का भी है, ठीक है। तो इस पर संशोधन भी कर रखा, किसी किसी में जो है संशोधन करके भी आया गया है, तो अलग अलग सूची यहाँ पर इनकी द्वारा प्रसारित करी गई है। तो इन पर जो है आपको यहाँ पर प्रतीक्षा सूची है जो आपको जाना है 17